वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल विच तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला अपने चैनल नू सबसक्राइब कर लो, ते जेकर वीडियो वधिया लगेगी तो इस नू लाइक अते शेयर जरूर कर देना। अपनी अज दी वीडियो दा विशा, कई मेरिया भैणा सवाल कर दिया ने कि मन बड़ा डावा डोल रहिंदा है, मन डरिया डरिया रहिंदा है, किसी अनचाही मुसीबत दा डर, इंज लगदा जिस तरह कुछ माड़ा होण वाला होवे, कुछ गलत होवेगा। तो देखो जी, इस जिंदगी दे विच सानू कई मुश्किलां कई चुनौतियां दे विचों गुजरना पैंदा है, कई समस्यावां दा सामना करना पैंदा है। तो तुसी देखिया होना कि कई लोग हर एक मुसीबत दा किसी भी दुख दा मुकाबला बड़ी ही हिम्मत नाल चढ़दी कला नाल करदे ने, पर कई मनुख दुख भी ओही हुंदा है, मुसीबत भी ओही हुंदी है, पर हिम्मत हार जांदे ने, चिंताग्रस्त हो जांदे ने। तो कदी सोचिया कि इंज क्यों हुंदा है? उसे ही दुख मुसीबत नूं एक इंसान हस के बड़ी हिम्मत नाल मुकाबला करदा है अते दूसरा चिंता विच डुब जांदा है। तो इसका उत्तर दिंदिया महापुरख जी समझाउंदे सन कि इस दुनिया दे विच कोई अजिहा प्रश्न बनिया ही नहीं कि जिसका हल ना होवे, पर हल उस नूं मिलदा है जिसका मन टिकिया होवे, जिसका मन स्थिर होवे। क्योंकि समस्या या परेशानी वड्डी नहीं हुंदी, इह साडे मन दी स्थिति उस नूं वड्डा जां छोटा कर दिंदी है। जे साडा मन अडोल टिकिया है तां उस मुसीबत दा हल लभ लैंदा है। जेकर साडा मन ही भटक रिहा है, मन ही अशांत है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इसे करके साडे गुरुआं दा ज्ञान भाव गुरबाणी अते संत महापुरख जी यही समझाउंदे आ कि अपने मन नूं कंट्रोल करो, क्योंकि इह मन ही सानूं खुश जा दुखी करता है। इसलिए जो मनुख अपने मन ते काबू पा लैंदा है वह हमेशा चढ़दी कला विच रहिंदे आ, खुश रहिंदे आ, पर जो मनुख अपने मन नूं कंट्रोल नहीं करदे वह हमेशा मुश्किलां परेशानियां दे विच उलझे रहिंदे आ। इसलिए साडे मन दा टिकाव बहुत जरूरी है, साडे मन दा स्थिर होना बहुत जरूरी है, ते मन नूं कंट्रोल सिर्फ ते सिर्फ गुरबाणी करदी है। इसलिए जिन्ना हो सके गुरबाणी दा अभ्यास करो, वार वार गुरबाणी पढ़ो सुनो अते विचारो, अपने मन नूं गुरबाणी दे नाल जोड़ो, अपने मन नूं गुरबाणी दे ज्ञान दे नाल भरो। जिस दिन भी आपां अपने मन ते काबू पा लिया, सब डर भय खत्म हो जाणगे। क्योंकि मेरे गुरु नानक पातशाह जी फरमाउंदे ने कि मन जीते जग जीते।